तारीख को हम यहाँ आए थे कश्मीर की विजिट पे और 21 तारीख तक हमारा विजिट रहा है। एक ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफिशियल रिलीजियस मीटिंग की है, उसके बाद एक गवर्नमेंट ऑफिशियल मीटिंग की है वेरियस डिपार्टमेंट से, उसके बाद हमने कुछ प्रोजेक्ट वगैरह किए, कुछ स्कूल्स को विजिट किया, हजरत बाल दादा को विजिट किया और कुछ ज्यादा समय बिताना था यहाँ पर, लेकिन कल हमारा कोर्ट का हियरिंग है, इस वजह से आज एक टूर का ये जो मीटिंग है यहाँ से पूरा हो रहा है। और हमने जो एक्चुअली सेंटर ने कश्मीर के लिए स्पेशल लिया उसके बारे में मैं आपको दो मिनट में ब्रीफ करती हूँ कि 2021 और 22 के लिए कश्मीर के लिए कितने फंड रिलीज हुए हमको। ये प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम PMGVK के लिए, इसके लिए 19 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर टोटली हमको सैंक्शन हुए हैं और टोटल प्रोजेक्ट का कास्ट 314.33 लैक्स है। सेंटर शेयर इसमें 282 लैक्स है। फंड रिलीज हुआ अभी तक 141.44 लैक्स और प्रोजेक्ट अप्रूवल हुए कश्मीर के लिए। इसमें एक जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए हेल्थ सब सेंटर्स के लिए 4 एडिशनल, क्लासरूम के लिए 11 और आंगनवाड़ी सेंटर्स 4, इसके लिए फंड सैंक्शन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर से। और फ्री कोचिंग जो बेनिफिशियर्स है हमारे यहाँ, जिसका 2021-22 में 50 बच्चे हमारे कश्मीर से बेनिफिशियरीज है और इनके लिए हम 39 लैक्स सैंक्शन की है सेंट्रल गवर्नमेंट से। और स्कॉलरशिप भी हुआ है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है 2021 और 22 के लिए, जिसमें हमने 76.94 करोड़ सैंक्शन किए हैं और पोस्ट मैट्रिक के लिए 26.3 करोड़ सैंक्शन हुआ है अभी तक। मैट्रिक कम मेंस स्कॉलरशिप के लिए 23.23 करोड़ सैंक्शन हुआ है। नई उड़ान स्कीम है, जैसे आप सब जानते हैं, ये लोगों को आर्टिस्ट के लिए, जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, ये जो UPPSC SSC इनके लिए कोचिंग दी जाती है बच्चों को, उसमें हमारे कश्मीर से 315 बच्चे अभी तक क्वालिफाई हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और उस्ताद स्कीम है जो बेनिफिट अभी तक सरकार ने यहाँ पर 18 करोड़ सैंक्शन किए हैं और इसके बेनिफिट 3,330 मेंबर्स है। नई मंजिल स्कीम है जिसमें 38 करोड़ रिलीज किया है सेंटर से, जो 7,750 बच्चे बेनिफिशियर्स है इसके लिए नई मंजिल स्कीम के लिए। और नई रोशनी है, इसमें बेनिफिशियर्स 2,450 है, जिसमें 53 करोड़ सेंट्रल ने सैंक्शन किए हैं। और नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है जिसके लिए 35 करोड़ सैंक्शन किए हैं अभी तक, इसमें रिलीज हुए है इसमें 2,667 बेनिफिशियर्स है। सो ये जो हमारे 2021-22 का है। और कुछ विषय पर हमने जब बात की थी रिलीजियस मीटिंग में तो कुछ मसले आए थे, उस विषय पर हमने सरकार से यहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनसे बात की है इस विषय पर, खास करके माइनॉरिटियों को जो सिख माइनॉरिटी है यहाँ पर उनके लिए सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, इस विषय पर हमने यहीं पर नहीं, ये मसला बिहार में भी हमने देखा है। तो हमने NCM से पूरे ऑल स्टेट चीफ सेक्रेटरीज को, गवर्नमेंट को ये रिकमेंड किया है कि मैं सिखों को माइनॉरिटी सर्टिफिकेट दे। और कुछ वाटर का वगैरह प्रॉब्लम था, हमने बताया है उसको तुरंत सॉल्व करने के लिए और मीटिंग ठीक रही। और कुछ और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे तो उसका फायदा लोगों को तक पहुंचेगा। अभी तो सब ठीक है, दरगाह को विजिट करे थे, अच्छा दिखा। और बाहर के लोगों से भी बात किया, जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते हैं उनसे भी बात की, अच्छा दिखा। आप कुछ मैम, एक ऐसे वक्त हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जाता है, तशद्दुद का शिकार किया जाता है, तो आप यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं और जितने भी पैसे वागुजार हुए हैं माइनॉरिटीज के लिए वो बता रहे हैं, लेकिन क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि आप इस मुश्किल तरीन हालात में उनके साथ खड़े रहे और उनके शाना बशाना खड़े रहते और उनके हकूक के लिए बात करते? नहीं, किस मुश्किल समय में, जिस तरह से हम दिल्ली में देख रहे हैं, जहांगीरपुरा में,
जो चीजें दिख रही हैं। हाँ, तो वहाँ पर हमारा माइनॉरिटी कमीशन विजिट किया है हमारे चेयरमैन साहब ने और बाकी के मेंबर ने। हम जो रिपोर्ट है सरकार को सौंपेंगे और जो जिसका गलत है उसको पनिशमेंट करने के लिए जरूर रिकमेंड करेंगे। ऐसा नहीं है, अगर कहीं पर ऐसा होता है तो माइनॉरिटी कमीशन डेफिनेटली रिस्पॉन्स होता है, इसके लिए हम रिस्पॉन्स देते हैं। यूएस का एक ग्रुप है, एक इदारा है, जेनोसाइड ग्रुप की रिसेंटली रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि इंडिया में जो माइनॉरिटीज मुस्लिम्स हैं वो आने वाले वक्त पे उनका जो जेनोसाइड के दहाने पर है वो, तो आप उसमें कितने सेंसिटिव है और कैसे देखते हैं? विदेशी पूरे गलत है, ऐसा होता तो हम यहाँ क्यों होते, आप और मैं यहाँ क्यों बैठ के, ये बिल्कुल गलत बात है। ये कुछ लोग इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की सोच होती है। वैसे हमारा मुल्क एक है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है और हम हिंदुस्तानी हैं। कुछ लोग ऐसा हमारे बीच में कुछ तकरार पैदा करना चाहते हैं, लेकिन इस विषय पर हम ध्यान नहीं दें, हमारी तरक्की पर ध्यान दें। आप देखिए 2014 में अगर माइनॉरिटी जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें कहीं बदलाव आए हैं, लड़कियों का चाइल्ड जो ड्रॉप आउट होता था वो 77% से 33% पर आया है। अभी तो डेवलपमेंट हो रहे हैं हम, लेकिन कुछ संस्थाएं जो माइनॉरिटीज हैं, कुछ लोग बाहर के चाहते हैं कि हम ऐसे ही रहे, तरक्की ना करें, इसलिए हमको ये बात बताई जाती है कि ये होगा वो होगा, क्या हम कुछ नहीं होगा, सब तो ठीक है। कश्मीर में तो यहाँ पे भी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जहाँ पे माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया, या क्या उनके लिए भी आप कुछ बोलेंगे? नहीं, उनके लिए हम देखिए कुछ कुछ इंसिडेंट्स होते हैं यहाँ नहीं, देश में कहीं अलग अलग हिस्सों में भी होते हैं, लेकिन हमको इसको एक एजेंडा नहीं बनाना चाहिए। जो जिसने गलती की है उसको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, वो इधर हिंदू हो, इधर मुस्लिम हो, या इधर क्रिश्चियन हो, या सिख हो। हम चाहते हैं शांति बनाए रखने के लिए, समाज में सबका महत्वपूर्ण उतना ही होता है। सिर्फ हिंदुओं से ही देश तरक्की नहीं करेगा, सिर्फ मुसलमान की तरक्की से देश तरक्की नहीं करेगा, देश तरक्की करेगा हम सब लोगों का मिलजुल के रहने से, आपस में हम सब एक दूसरे को समझ कर काम करने से। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैम ये बताइए, जो आपने कमीशन के ग्रुप की बात की, जो कल दिल्ली विजिट किया है स्पॉट, तो उसमें थोड़ा सा डिटेल बताइए कितने लोग थे, कब गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट सबमिट? नहीं देखिए, मैं तो यहाँ पे हूँ, कश्मीर टूर में थी मैं, जो हुआ है हमारे चेयरमैन साहब गए थे साथ में, कमीशन पूरा विजिट किया है हमारा और उसकी रिपोर्ट हम सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र को भेजेंगे, होम मिनिस्ट्री को भेजेंगे। अगर हमको लगता है कहीं पर इस पर एक्शन लेना चाहे तो जरूर हम रिकमेंड करेंगे एक्शन लेने के। मैम आप जे एंड के में थी, जम्मू में जो ट्राइबल्स हैं उनका सिलेक्टिव इवैक्यूएशन का वो एलिगेशन लगाते हैं कि वहां पर हमें सिलेक्टिवली टारगेट किया जाता है मुस्लिम ट्राइबल्स को, चाहे बकरवाल हो चाहे पहाड़ीज हो, वो बोल के हमें निकाला जाता है, तो क्या आपने उसका भी कॉग्निजेंस लिया हुआ है? अभी तो मैं जम्मू में नहीं गए, हमारा नहीं, कश्मीर का पहला टूर है। जब अगर हम वहाँ विजिट करेंगे इसी समस्या आएंगे तो इसको हम जरूर कहाँ पर क्या बोलना है, स्टेट गवर्नमेंट को, यहाँ की सरकार गवर्नमेंट ऑफिशियल को रिकमेंड करना है, एसएचएल को करना है, तो हम जरूर करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच, हमको भी फ्लैट टाइम हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।